इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। समर का जो सीज़न है कुछ प्लांट के लिए ग्रोथ का पीरियड होता है, और इन समर के सीज़न में उन प्लांट की जो है बहुत ही अच्छे से जो है ग्रोथ होती है, और उनमें से जो है एक मनी प्लांट भी है। और ये देखिए, ये मेरा एक मनी प्लांट है, तो देखिए कितने अच्छे से इसमें जो है ग्रोथ हो रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है, और आज मैं आपको अपने मनी प्लांट के जो है मनी प्लांट मैंने कहाँ कहाँ लगाया हुआ है वो दिखाऊंगी, और वो उनकी कैसी ग्रोथ चल रही है वो भी दिखाऊंगी आपको, और कैसे मैं इनको ग्रो किया हुआ है। और मैंने इनको जो है कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है अपने प्लांट को। जो आप ये प्लांट देख रहे हो इसको जो मैंने 7-8 महीने ही पहले इसको जो है कटिंग से ग्रो किया था, और इन दिनों आप इन मनी प्लांट की कटिंग लगाओ तो बहुत ही इजीली जो है ग्रो हो जाती है। चाहे आप उसको मिट्टी में लगाओ, चाहे पानी में लगाओ, और उसमें जो है बहुत ही अच्छे से जो है इन दिनों जो चल पड़ता है। सिर्फ यही है कि थोड़ा सा पानी कम दें तो अच्छे से जो है इसकी ग्रोथ होती रहती है। तो और ये देखिए, मैंने इसको छोटे से गमले में लगाया हुआ, और ये अभी नीचे नीचे इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही थी कि नीचे नीचे इसकी लटक रही थी टहनियाँ, तो फिर मैंने खुद ही एक मॉस स्टिक बना के जूट की जो होती है बोरी उसका खुद ही बनाया, और वो बना के इसमें लगाया हुआ है। और देखते हैं अभी इस पर ये चढ़ रहा है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, और बहुत अच्छे से जो है इसकी ग्रोथ होती है। और मैं इसको जो है पानी अभी इसमें स्टिक में ही दे देती हूँ, और जो इसकी इस प्लांट को जो है मिल जाता है इसकी जड़ों को, ऐसे तो मिल जाता है पानी, मगर जो इसकी जड़ें ऊपर ऊपर होती हैं उनको नहीं मिलता है। और ये देखिए एक और मेरा मनी प्लांट, और उसको मैंने जो 12 इंच का गमला है उसमें ग्रो किया है, और इसको भी मैंने जो है 1 साल पहले कटिंग्स इसमें लगाई थी, और ये देखिए अभी इतना ये बुशी प्लांट बन गया है। और इसको इसकी भी जो टहनियाँ अभी गमले से बाहर आ रही थी, तो मैंने इसको भी जो है खुद ही मॉस स्टिक बना के तो उस पर अभी मैंने चढ़ाया हुआ है। और ये देखिए नीचे से ये तो इतना बुशी प्लांट है ये, और अभी मैंने इसको 1 हफ्ता पहले ही इसके लिए दोनों के लिए जो है मॉस स्टिक खुद ही बनाया, क्योंकि नर्सरी में मैंने पता किया तो मुझे मॉस स्टिक नहीं मिला, हमारे इधर नर्सरियों में मुझे नहीं मिला था मॉस स्टिक, तो मैंने इसलिए खुद ही ये बनाया हुआ है। और ये देखिए बहुत ही बुशी प्लांट बने हैं, और ये भी प्लांट जो है मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है, और बहुत ही अच्छे से जो है चल रहा है ये। और अभी तो मैंने इसको यह मॉस स्टिक भी खुद ही बना के लगाई है, और ये अभी इसमें और अच्छे से जो है ग्रोथ होगी, क्योंकि जो इनकी लंबी जो टहनियाँ हो जाती हैं उनको जो है जो उनका फूड होता है वो बिना मॉस स्टिक के नहीं मिलता है, तो मॉस स्टिक अगर आप लगाओगे तो प्लांट की जो है ग्रोथ अच्छी होती है, जो उसकी रूट्स होती हैं उनको मिल जाता है पानी। और जो आप ये देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना प्लांट है, और ये तो हमेशा घर के अंदर ही रहता है, और इसके अपोजिट ऊपर वाली साइड में बिल्कुल जो खिड़की है वहाँ से जो है बहुत पूरा दिन इसको जो है अच्छी रोशनी मिलती रहती है। और इसको मैंने अभी मॉस स्टिक नहीं लगाई है, क्योंकि ये बेल बहुत लंबी हो गई है और मैंने ऊपर तक इसको चढ़ाया हुआ है, और अभी मैं देखती हूँ इसको भी मॉस स्टिक लगाऊँगी जहाँ तक हो सकेगा। और ये देखिए वो बिल्कुल पोल तक जा रही है इसकी जो है ग्रोथ है, अभी ये बहुत और हो रही थी ग्रोथ, मैंने इसको थोड़ा सा भी काटा है। और ये देखिए इसमें भी जो न्यू लीव्स आ रहे हैं, और ये तो सारा मतलब 12 महीने जब से भी ये प्लांट है बिल्कुल अंदर ही रहता है, क्योंकि इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं कहीं भी, ये बिल्कुल इधर उधर इसकी जो है बेल्स पूरी फैली हुई हैं। और ये मदर प्लांट है, यहीं से मैं कटिंग जो है ले लेके और कहीं लगाती हूँ प्लांट, जो भी जितने भी आपने पहले प्लांट देखे यहाँ से ही कटिंग ले लेके मैंने जो है ग्रो किए हुए हैं। ये सबसे पुराना प्लांट है मेरे पास मनी प्लांट का, और ये देखिए इसमें भी अभी बहुत ही अच्छी जो है ग्रोथ हो रही है, और अभी मैं इसको जो है मॉस स्टिक भी लगाऊंगी, ये देखिए। और ये देखिए एक और मैंने जो है एक पॉट है उसमें लगाया हुआ है, और ये देखिए इस ये भी अभी बहुत ही बुशी प्लांट बन गया है, और इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। पहले मैंने कटिंग काट के जो है कुछ दिन पानी में रखी थी, और जब इसमें अच्छे से जो है रूट बन गई थी और पूरा जो प्लांट है डेवलप हो गया, तो फिर मैंने इसको जो है इस पॉट में ही मैंने जो है मिट्टी भर दी, और ये देखिए अभी इसकी कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है।
और ये तो बिल्कुल घर के अंदर ही रहता है प्लांट, इसको रूम में ही रखा हुआ है। और ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। और जब भी इसकी जो है मिट्टी सूखती है तो मैं इसको पानी दे देती हूँ, और साथ में इसको जो पत्ते हैं उसको भी मतलब पानी पत्तों के ऊपर भी डाल देती हूँ साथ में। हफ्ते में एक बार ही ऐसा मैं करती हूँ कि इसको साथ में इसके पत्तों को अच्छी तरीके से धोती हूँ, और साथ में जो है पानी भी इसकी मिट्टी में चला जाता है। तो ये देखिए, और ये देखिए ये भी मैंने जो है रूम में ही रखा हुआ है। एक ये तो छोटी सी बॉटल में लगा हुआ है, और ये देखिए कितनी अच्छी इसके न्यू न्यू जो लीव्स आ रहे हैं। ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है, और ये देखिए इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से अभी जो है ग्रोथ हो रही है। और मैंने इसको घर के अंदर ही मतलब कमरे में रखा हुआ है, और इसके सामने खिड़की है, वहाँ से इसको जो अच्छी रोशनी मिलती रहती है। तो ये घर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है चलता रहता है। ये देखिए बहुत ही एक अच्छा जो है इंडोर प्लांट है मनी प्लांट। और दो जो गमले हैं वो मैंने बाहर ही रखे हैं, मगर वहाँ भी जो है छाया ही रहती है, धूप वहाँ नहीं आती, रोशनी आती है। और कुछ जो है तीन पॉट जो मैंने वो घर के अंदर ही बिल्कुल रखे हैं, वहाँ जहाँ घर के अंदर भी अच्छी रोशनी आती है तो बहुत अच्छे से चलते हैं। तो इस तरीके से जो है आप मनी प्लांट को इन दिनों जो है ग्रो कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, चाहे आप छोटे गमले में लगाएं, चाहे बड़े गमले में लगाएं, चाहे उसको मॉस स्टिक के सहारे चढ़ाएं, तो वो हर जगह जो है अच्छे से जो है ग्रोथ करता है अगर उसकी आप अच्छे से देखभाल करोगे। यही है कि उसको जैसे अभी इसका ग्रोथ का पीरियड है तो इसको थोड़ा सा जो है कंपोस्ट मिला दें इसके गमले में, चाहे जो भी आपके पास कंपोस्ट हो, तो फिर इसकी जो है ग्रोथ अच्छे से होती रहती है। और इसके जो है लीव्स पर जो है आप स्प्रे भी करते रहें पानी से, तो फिर भी जो इसके लीव्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, और साथ में उनको जो है पानी भी मिल जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा एक इंडोर प्लांट है मनी प्लांट, जिसको आप अपने घर के अंदर बहुत ही इजीली जहाँ अच्छी रोशनी आती हो तो ये बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है। तो ये देखिए साथ में देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है, और ग्रीनरी भी ऐड करता है हमारे घर के अंदर। और ये देखिए और आसानी से चलता रहता है, और समर से का सीजन इसको जो है ग्रोथ का पीरियड होता है, और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे इसके जो है नए नए लीव्स निकलते हैं और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि यही है कि इसको कम पानी देंगे तो ये अच्छा चलता रहता है। पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी जो है ऊपर से थोड़ी सी ड्राई लगे आपको, तभी इसको पानी देंगे आप तो ये अच्छे से प्लांट जो है चलता रहता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और समर का सीजन इसका अच्छा ग्रोइंग का पीरियड होता है, और उसमें बहुत ही अच्छे से जो है ग्रोथ करता रहता है ये प्लांट।